यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वही फरीदाबाद के सूरजकुंड में बीजेपी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बीजेपी आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में भाग लेने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह सूरजकुंड पहुंच गए हैं। इसके अलावा बैठक में देश भर के 35 पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। जानकारी के अनुसार बैठक में भाजपा संगठन महामंत्री रामलाल सहित संघ और भाजपा के बीच समन्वय का कार्य देख रहे कृष्ण गोपाल के अलावा दत्तात्रेय होसबोले भी शामिल होंगे। संघ के दूसरे नंबर के पदाधिकारी भैया जोशी के भी आने की बात कही जा रही है। प्रतिवर्ष की तरह इस बार हो रही बैठक में देश के प्रमुख राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श होगा और उन मुद्दों पर आगे किस तरह बढ़ा जाए, क्या किया जाए, इस पर रणनीति चर्चा की जाएगी। इस वर्ष चिंतन मनन मंथन और रणनीतिक निर्णय का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आगामी विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता की बलवती होती संभावना, इससे पार पाने, इससे निपटने की विभिन्न योजनाओं पर विमर्श हो सकता है। तो मिशन 2019 के लिए चर्चा विशेष मानी जा रही है, जिसमें संघ के ओर से जो है प्रतिनिधि इसमें पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि भाजपा संगठन के प्रतिनिधि पहुंचे हैं सूरजकुंड में। यह बैठक चल रही है।